वर्तमान राजस्थान सरकार ने वृद्धजन पेंशन के अंदर वृद्धि की है, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब दोस्तों, आपको आने वाले समय के अंदर यदि किसी की पेंशन अभी चालू हुई है और वो 40 साल और जी लेता है, तो उसकी जो आने वाले समय के अंदर 2040 के अंदर जिसकी पेंशन होने वाली है वो 10,000 के आसपास होने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर आपकी जो पेंशन है वो कितनी होगी। अब दोस्तों, महंगाई के साथ हर चीज बढ़ती जाएगी, तो यही जो है बढ़ोतरी, 15% बढ़ोतरी की गई है। मान लो अभी जिनको 1,000 रुपये मिल रही है उनको अप्रैल से 1,150 रुपये मिलेंगे, मतलब 15% वृद्धि हुई। उसके बाद में उसकी 15% और वृद्धि की जाएगी, जो वृद्धि 1,150 रुपये के 1,150 रुपये की जाएगी, 1,150 की वृद्धि की जाएगी। तो इस तरीके से जो है पेंशन की वृद्धि की जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नया जो अप्लाई होगा तो जो न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये ही होने वाली है न्यूनतम पेंशन, और उसके बाद में वो चीजें बढ़ती जाएगी, हर साल उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी। तो इस वीडियो में देखते हैं कि आपको 2040 में कितनी पेंशन मिलेगी, ईयर वाइज देखेंगे, पूरा देखेंगे कितनी उस साल कितनी बड़ी किस साल कितनी बढ़ेगी, पूरी डिटेल्स देखते हैं। मैंने एक शार्ट बनाया है, उसके आधार पे हम वो 4 ही चीजें देखने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे बीजेपी सरकार ने अभी क्या किया है। बीजेपी सरकार ने अभी यहाँ पे 1,150 रुपये है वो पेंशन की है, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था। अब जो आपको 1,150 रुपये मिलेंगे, जो कि वर्तमान में जो पेंशन मिल रही थी वो 1,000 रुपये, और सरकार ने जो बढ़ाई है वो 150 रुपये है, मतलब 150 रुपये है। 15% की वृद्धि हर साल यहाँ पे की गई है भजन लाल सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की ओर से ये बढ़ाई गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पेंशन है वो बीजेपी सरकार ने ही बढ़ाई है, जो वर्तमान सरकार चल रही है, क्या उसने ये पेंशन बढ़ाई है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो ये काम है वो यहाँ पे पिछली सरकार ने किया था। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार ने अभी घोषणा की बीजेपी सरकार, मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ का कि आपने किसी अदर पार्टी की योजना को अभी तक बरकरार रखा, प्लस उस पर अमन किया आपने। और कोई सरकार होती तो ऐसा नहीं करती। अब दोस्तों समझते हैं, अब यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो दे दिए गए थे, जो महंगाई राहत कैंप के अंदर जाते थे हमें गारंटी कार्ड मिलते थे, तो यहाँ पे क्या है, अशोक जी गहलोत जो थे मुख्यमंत्री थे पहले, अब श्री भजन लाल शर्मा हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, जो पिछली सरकार थी, प्रीवियस में सरकार थी, उसने क्या कहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्या कहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन के लाभार्थी होंगे। मतलब जो न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपये की गई थी, साथ ही क्या कहा, साथ ही पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पे जो है 15% की बढ़ोतरी जो किस सरकार ने की, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि इस सरकार ने की है। मैं इस सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इस जो है बात पे अमन की। अब देखिए, एक मैंने शार्ट बनाया है, इसके अंदर आपको मैं ऊपर समझा देता हूँ इसका क्या है। इसके अंदर महीना और ईयर है, किस ईयर और कौन सा ईयर है कौन सा महीना है इसके अंदर दे रखा है, प्लस जो प्रतिमाह जो दी जाएगी वित्तीय राशि लाभ वो है यहाँ पे, उसके बाद में जो 15% है वो बढ़ाई जाएगी, और फिर टोटल कितना होगा। ये एक न्यू पेंशनर के लिए नहीं है, वो ये सोचेगा कि 2026 के अंदर मेरी पेंशन चालू होती है तो 1,322 होगी, ऐसा नहीं है। शुरुआत आपकी 1,000 से ही होगी, उसके बाद में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। मैं आपको सबसे पहले ही जो है कंफ्यूजन है आपका दूर कर देता हूँ, इस पे बाद में चलते हैं। अब जैसे दोस्तों 2023 के अंदर ये 750 रुपये मिलती थी, जो कि बढ़ा के यहाँ पे 1,000 रुपये कर दी थी। इसके बाद में अब जैसे देखिए 2024 के अंदर बढ़ा के 1,000 रुपये कर दी थी, जो कि 2023 के अंदर ही हो चुकी थी। इसके बाद में 2024 के अंदर वर्तमान समय के अंदर अभी तक 1,000 रुपये हमें मिल रहा है, जो कि बढ़ा के अब जो अप्रैल है, अप्रैल के बाद में, अप्रैल 2024 के बाद में जो है आपको पैसा मिलने वाला है वो 1,150 रुपये मिलने वाला है। अप्रैल मई के अंदर आपको ये पेमेंट रिसीव हो जाएगा, जो कि 1,150 रुपये का होने वाला है। ठीक, इसके बाद में जैसे ही जो है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर लगेगा,
उसके बाद में जो अप्रैल का महीना आएगा, अप्रैल के अंदर ही जो पेंशन है आपकी 1150 से, 1150 जैसे है आपका 1150 है अप्रैल तक, 1150 है, तो उसके बाद में 172 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो जो पेंशन है वो होने वाली है आपकी 1722 रुपये हो जाएगी। पैसे भी मैंने लिखने की कोशिश की है पीछे, कुछ पैसे 50 पैसे भी आपका पैसे ऐड हो जाएगा। इसके बाद में जो ये मिलने वाला है, ये जो पैसा मिलने वाला है आपको आफ्टर अप्रैल 2025 के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे 2025 का पैसा है, यहाँ पे आफ्टर अप्रैल, आफ्टर जो बिफोर अप्रैल जो है यहाँ पे है, बिफोर अप्रैल यहाँ पे है, आफ्टर अप्रैल यहाँ पे है। इसके बाद में जब 2026 लगेगा तो आपको अप्रैल तक, तो 2026 के अप्रैल तक तो आपको 1322 रुपये मिलेंगे, उसके बाद में बढ़ोतरी होगी जो कि 198 रुपये, मतलब .375 रुपये बढ़ने, 375 पैसे बढ़ेंगे। इतने बढ़ने के बाद में जो आपका पैसा होगा वो 1520 रुपये होगा, तो यहाँ पे देख सकता होगा 1520। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 60 बनाया है। इसके अंदर जैसे आप, मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति अभी 1800, अभी मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ कि अभी वो जिसकी डेट ऑफ बर्थ अभी 1868 है, तो वो और 2000, मतलब मान लो 2040 तक तो वो जी लेगा लगभग, लगभग मान लो 2040 तक वो जीतता है, 2040 तक वो जिंदा रहता है, तो उसको जो पेंशन मिलने वाली है आखिरी समय के अंदर, यदि वो 2040 से पहले जो यहाँ पे अप्रैल के पहले वो होता है, तो उसको जो पेंशन मिलने वाली है वो 9356 रुपये मिलेगी, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। महिला की जो बात कर दूं मैं, महिला यदि जो है अभी वर्तमान के अंदर जो 1900 जो है यहाँ पे हो सकता है जन्मतिथि जो भी हो, यहाँ पे 1969 है, 1969 मान लो, 1969 है किसी की, तो अभी वो जाने मान लो 40 साल तो वो जिएगी, 40 साल जिएगी, तो सॉरी यहाँ पे 80 साल होता है, 80 ईयर, 80 ईयर वो जीती है, उम्र होती है 80 ईयर, तो उसको जो आखिरी में जो पेंशन मिलने वाली है वो 10769 रुपये मिलने वाली है, वो 2041 के अंदर जो बढ़ के यहाँ पे हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जो है पेंशन की बढ़ोतरी होने वाली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले समय के अंदर जो महंगाई बढ़ेगी तो साथ में पेंशन बढ़ना जायज़ है। तो यहाँ पे जो आपको 9356 रुपये मिलेंगे, और आपको उस समय जो 9356 रुपये मिलेंगे वो आज के 1000 रुपये के बराबर होंगे, क्योंकि उस समय महंगाई है वो बढ़ी हुई होगी। महंगाई के साथ हर चीज़ के अंदर परिवर्तन होता है, महंगाई के साथ हर चीज़ को बदलना पड़ता है, हर चीज़ में चेंजेस होता है, इस वजह से यहाँ पे ये जो है चेंजेस हुए हैं, और इस वजह से 2040 के अंदर आपकी जो 1000 रुपये की आज वैल्यू है, जो वैल्यू 2040 के अंदर भी वही वैल्यू आपको आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि वैल्यू वही रहने वाली है, क्योंकि उस समय महंगाई है वो बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जो है सिस्टम रहने वाला है, अब जो 15% बढ़ोतरी होगी, तो कुछ इस तरह का सिस्टम रहने वाला है, जैसे मान लो 150 से 172, 172 से 198, 198 से 228 हो गया, 200 यहाँ पे 62 हो गया, 301 हो गया, 346 हो गया, 399, इस तरीके से जो है पेंशन बढ़ती जाएगी, ये बढ़ोतरी होती जाएगी, तो कुछ इस तरह की बढ़ोतरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे पहले यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे जो फिलहाल वर्तमान सरकार ने जो पेंशन है वो बढ़ाई है, तो क्या जो है यहाँ पे पिछली सरकार के अंदर ये घोषणा की गई थी, क्या वही घोषणा यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, उसी घोषणा को इस सरकार ने पूरा किया है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।